इंग्लिश बुलडॉग और ब्रिटिश बुलडॉग के बुलडॉग से बुलडॉग भी कहते हैं इस ब्रीड को। यह ब्रीड एक मीडियम साइज मसल वाले कुत्तों की ब्रीड है। इसका सिर लचकीला और पतली चमड़ी वाला बना होता है। इसकी जो बीमारियाँ होती हैं कि इनको इनकी बीमारियों के कारण नॉर्वेज और नीदरलैंड में इन ब्रीड को बैन किया गया है। सो इसनों बीमारियाँ जैसे ब्रैकलोफीलिया, हिप डिस्प्लेसिया, हीट्स एंड हमारे कही गई बातों से कोई भी ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सो सभी भाइयों का धन्यवाद। आप सभी के साथ की ज़रूरत है। अगर आप साथ दोगे तो ही हमारा ये मकसद है जो आपको सचेत करने का, वो सफल हो पाएगा। धन्यवाद। राम राम सभी भाइयों को। आज हम बात करेंगे इंग्लिश बुलडॉग की। बुलडॉग जह ब्रीड एक मीडियम डॉग ब्रीड में आती है। इस जह ब्रीड इंग्लिश बुलडॉग और ब्रिटिश बुलडॉग के बुलडॉग से बुलडॉग भी कहते हैं इस ब्रीड को। जह ब्रीड एक मीडियम साइज मसल वाले कुत्तों की ब्रीड है। इसका सिर लचकीला और पतली चमड़ी वाला बना होता है। इसकी जो लेग्स होती हैं, लेग्स लातें और जो इनकी बाहें हैं, मोड़े भी इस तरह बनते हैं जैसे हम किसी जिम वाले पर्सन को देखते हैं, मसल वाले होते हैं। इनके फेस पे जोड़ियां बहती हैं जैसे हम मसल पे ऐसा लगा लो जिसे हम बोलते हैं कि इसका मसल जो माउथ साइज है वो रिंकल वाला फेस है। ऐसा फेस होता है इसको ना, इसका सीधा मुंह और प्रोटूडिंग हेठला जबाड़ा होता है। इस ब्रीड नू जह ब्रीड को बहुत सारी बीमारियां होती हैं क्योंकि इसका जो इस ब्रीड नू बस इसके मतलब ऐसा लगा लो इस ब्रीड को इतनी सारी बीमारियां होती हैं कि इनको इनकी बीमारियों के कारण नॉर्वेज और नीदरलैंड में इन ब्रीड को बैन किया गया है। सो इसनों बीमारियां जैसे ब्रैकलोफीलिया, हिप डिस्प्लेसिया, हीट सेंसिटिव स्किन की बहुत सारी बीमारियां इनको होती हैं। यह एक पालतू डॉग है। यह ब्रीड तकरीबन 1890 में होंद में आई थी। अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो 6 से 9 साल तक की इसकी उम्र है डॉग की। सो जय था दोनों डॉग की वीडियो के बारे में। सो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका अपना छोटा भाई गुरविंदर सिंह बुलर ओनर बुलर डॉग फार्म यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज। अपना खुद हम आज हम अपने बारे बताते हैं कुछ। हमारा खुद का डॉग कैनल है, डॉग ब्रीड का काम है। जैसे हमारा 3 ब्रीड का काम करते हैं, लेब्राडोर, सवेरियन हास्की और सेंट बर्नार्ड। सो अगर किसी भी भाई को सेंट बर्नार्ड और लेब्राडोर और हस्की ब्रीड का पपी चाहिए तो वो आँख बंद करके हम पे भरोसा करके ले जा सकता है। सो वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताँ जो लोग हो रही लूट से बच सकें और सही दाम पे सही पपी खरीद पाएँ। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर किसी को इन बातों से कोई भी ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सो सभी भाइयों का धन्यवाद। आप सभी के साथ की ज़रूरत है। अगर आप साथ दोगे तो ही हमारा ये मकसद है जो आपको सचेत करने का, वो सफल हो पाएगा। धन्यवाद।